नमस्कार, न्यूज 24 लाइव में मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। 22 नवंबर से 11 दिसंबर 2018 तक पुणे से अग्रसेन महाराज की ऐतिहासिक रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, तो आज के बुलेटिन में हम इसी के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। भगवत गीता का प्रचार और प्रसार करने वाले कलयुग के अवतारी, जिन्होंने जनक पिता बनकर नव समाज का निर्माण किया और जिनके विचारों के कारण आज वैश्य जाति का उद्धार हो रहा है, उन भगवान अग्रसेन महाराज की अग्रचेतना एवं सद्भावना रथ यात्रा का आयोजन पुणे से अग्रोहा और अग्रोहा से पुणे तक किया गया है। विभिन्न राज्यों के सैकड़ों शहरों, कस्बों और गांवों से होकर यह यात्रा भगवान अग्रसेन जी के सिद्धांतों को लाखों परिवारों तक पहुंचाएंगी। इस यात्रा का शुभारंभ पुणे शहर की महापौर मुक्ता तिलक, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग, अग्रवाल समाज फेडरेशन पुणे के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल, इनके हाथों मान्यवरों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। ये जो चेतना और सद्भावना यात्रा पुणे शहर से शुरू हो रही है, इसके लिए सभी पुणे शहर वासियों की तरफ से मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और अग्रसेन महाराज जी ने जो काम बसाया है वो काम आगे ले जाने के लिए ये सद्भावना यात्रा हम सबको मार्गदर्शक रहेगी, क्योंकि सभी जाति पाति पंत प्रांत ये सब भेद छोड़कर ये यात्रा सभी भारतीय और मानव जाति के कल्याण के लिए रहेगी, यही सदिच्छा इस समय मैं व्यक्त करती हूँ। भगवान अग्रसेन जी के समता एवं सद्भावना के सिद्धांतों को विश्व भर में पहुँचाने हेतु इस ऐतिहासिक यात्रा का आयोजन किया गया है। इस रथ यात्रा में भगवान अग्रसेन जी के भव्य सुशोभित रथ के साथ 18 गोत्र के स्वरूप 18 अग्ररथ रूपी गाड़ियों का समावेश किया गया है। भगवान अग्रसेन जी कलयुग के अवतारी थे, उन्होंने कलयुग में धर्म की स्थापना की और सभी गरीबों को उन्होंने गले लगाया। उनका संदेश लेकर ये अग्र चेतना सद्भावना रथ यात्रा पूरे विश्व के कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए पूना के अग्रवाल समाज ने आयोजित की है। अग्रसेन भगवान फाउंडेशन ट्रस्ट पुणे द्वारा, अग्रवाल समाज फेडरेशन पुणे द्वारा और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की प्रेरणा से ये रथ यात्रा आज प्रारंभ होकर 11 दिसंबर तक चलेगी। ये यात्रा पूना से प्रारंभ होकर लोनेवाला, बम्बई, सूरत, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और दिल्ली से फिर वापस ब्रज प्रदेश, मध्य प्रदेश होती हुई पूना वापस आएगी। 6 तारीख को ये अग्रोहा में पहुँचेगी। अग्रोहा जो अग्रोहा शक्तिपीठ है पूरी दुनिया का, एक सबको एक मानवता का संदेश देने वाला ऐसा शक्ति केंद्र जो बना है, जहाँ से इस देश की एकता अखंडता का संदेश, क्योंकि हमारा जयकारा है अग्रसेन अग्रोहा का संदेश, एक रहेगा भारत देश। ये अग्रवाल समाज सब समाज को साथ लेकर चलने वाला है, गरीबों की चिंता करने वाला है और परमार्थ करने वाला है। और ये कहूँ कि ये राष्ट्रभक्त समाज है, देश के निर्माण में, देश की आज़ादी में इस समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसीलिए हमने अग्रवाल समाज में चेतना पैदा कर उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराकर पूरे देश में आतंकवाद का सफाया हो, देश में शांति कायम हो, विश्व में शांति कायम हो, भाईचारा बने और हर जरूरतमंद और गरीब को हम गले लगाए, इसी संदेश को लेकर यह चेतना सद्भावना रथ यात्रा चल रही है। संपूर्ण विश्व की चिंता करने वाले भगवान अग्रसेन जी के सिद्धांतों को 5 राज्य में, 5 110 शहरों में ये पहुंचाने हेतु अग्रसेन महाराज जी के हर सिद्धांत को, न्याय, नीति, समता, ये सिद्धांतों का संगठन सक्षम हो, मातृशक्ति का सम्मान हो, मातृशक्ति का समाज में सामाजिकता में कार्य में सहभाग बढ़े, युवा शक्ति मुख्य धारा से जुड़े, इस उद्देश्य यह पुणे अग्रोहा यात्रा का आयोजन अग्रसेन भगवान
फाउंडेशन पुणे की तरफ से और अग्रवाल समाज फेडरेशन की तरफ से आयोजित किया गया है। इस यात्रा में सम्मिलित सभी अग्रसेन भाइयों को हमारी सभी बहनों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये यात्रा मंगलमय हो, यही हमारा सभी बहनों का उद्देश्य है और यही हमारी सभी की शुभकामनाएं। अग्रसेन भगवान की जय। अग्रसेन भगवान की जय। 5142 किलोमीटर की यात्रा करके जन जागरण और वैश्य समाज को एकत्रित करने हेतु इस यात्रा का प्रायोजन किया गया है। पुणे शहर के अलग अलग जगहों पे मान्यवरों द्वारा आरती करके इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। अग्रसेन भगवान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित व अग्रवाल समाज फेडरेशन द्वारा प्रायोजित आज की ये अग्रसेन रथ यात्रा, अग्र चेतना यात्रा जिसे हम कहते हैं, आज पूना से प्रस्थान हो रही है। पूना से होते हुए यहाँ से लोनावला से बम्बई, ठाणा, चेंबूर, बॉम्बे मार्ग सूरत जाएगी और सूरत का गुजरात प्रदेश करके फिर वो राजस्थान में रवाना होगी और राजस्थान के बाद हरियाणा में वो जाकर हमारा जो मेन अग्रवा स्थान है वहाँ पर जाएगी। खासतौर पर दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल, इनके द्वारा इस रथ यात्रा का वहाँ पर स्वागत किया जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी लोग इसमें सम्मिलित हों। इस यात्रा का उद्देश्य एक ही है कि अग्रसेन भगवान जो है हमारे, उनका विचार घर घर तक पहुँचाना, आपसी एकता करना और समाज को आगे ले जाए, उन्नति के पथ पर ले जाना। इस यात्रा में हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल चंद जी गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं और इस अग्रसेन भगवान चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश जी अग्रवाल, जो कि हमारे फेडरेशन के भी सचिव हैं, और सारे अग्रवाल समाज के विभिन्न कार्यकर्ताओं के द्वारा कड़ी मेहनत से आज का यह आयोजन हो रहा है। आज इस अगर चेतना यात्रा पूरे पूना के सभी समाजों में जाकर लोनावला जाएगी, विश्राम होगा और इस यात्रा के माध्यम से पूरे अग्रवाल समाज में एक नव चैतन्य निर्माण हुआ है। इसका आने वाले समय में हमें सबको इसमें सम्मिलित होना है, यही मेरी प्रार्थना है। जय अग्रसेन। जय अग्रसेन। अग्रसेन भगवान की जय। अग्रसेन भगवान की जय। अग्रसेन भगवान की जय।